भारत में पहली बार भारतीय सर्वधर्म संविधान ज्ञान सप्ताह यज्ञ एवं साप्ताहिक संविधान परिचर्चा के अगले सत्र में आप सभी का, मेरे सहयोगियों का और तमाम जो इसके लिए पहुंचे हैं इस श्रवण में, मैं उन सभी का दिल की गहराई से उनका अभिवादन करता हूं, उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। और संस्कृत श्लोक के साथ मैं आरंभ करूंगा। संस्कृत कि यदि मैं भाषा की बात करूं, ऐसी देववाणी जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, जब ओम शब्द का गुंजयमान हुआ था और धरती निर्माण हुआ था जब, तभी इस संस्कृत देववाणी भाषा का जो यहां पर प्रकट हुआ था, और इसीलिए इसको विश्व की और भारत की जो 22 मानक भाषाएं हैं उन सभी में इसको जननी कहा जाता है। जिस तरीके से धरती माँ एक जननी है, और माँ शब्द से तो मेरे भारत में अनेक चीजों को पुकारा जाता है। इस धरती में भारत माँ, धरती माँ, गौ माँ, इस तरीके से इस संस्कृत भाषा को भी माँ के रूप में, जननी के रूप में जाना जाता है। और इसीलिए मेरे द्वारा और मेरे कुछ सहयोगियों द्वारा इस तरीके से ये जो भारतीय संविधानम, यानी जिस तरीके इंडेक्स, उद्देशिका, प्रस्तावना, आमुख नाम से जाने जाने वाला प्रीएम्बल, विच इज रियली द इंडेक्स ऑफ द एनीवन। जब आप देखेंगे कभी भी संविधान किताब का जब आरंभ करें, उसे प्रीएम्बल है। एकमात्र जब इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक बार उसमें सिर्फ 3 शब्द जोड़े गए हैं, उन पे भी खास चर्चा करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। और ये कई डिबेट भी रहा है इसको लेकर के, क्या ये जो प्रीएम्बल है जिसको उद्देशिका, प्रस्तावना, आमुख से जाना जाता है, क्या ये संविधान का अहम हिस्सा है? नहीं है, ये असली फ्रंट में लगा होता है। पूरे मेरे भारत देश और विधायिका से लेके कार्यपालिका, न्यायपालिका किस तरीके से अंग काम करते हैं, कैसे होता है, वो तमाम चीजें इस प्रीएम्बल से पढ़ के पता लग जाता है। कैसे हमारा राष्ट्र है वो सब उस श्लोक में पता लग जाता है, उस उद्देश्य का में लिखा हुआ। ऐसे इस श्लोक में तमाम संविधान की बातें हैं। और धुन देंगे मेरे मार्गदर्शक मामा जी इस भारतीय संविधान। पूर्ण प्रभुत्व संपन्नम लोकतंत्रात्मकम तथा गणराज्यम विधातुं वे संविधानस्य निर्मितम्। और इस श्लोक अर्थात भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मकम तथा गणराज्य बनाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है इस श्लोक में। और अगले श्लोक में कैसे है हमारा संविधान, जो दुनिया का विशाल क्या है खासियत, इस श्लोक में धुन देंगे। विश्वस्य संविधानेषु ग्रंथोत्तम विस्तृतम् जयतात संविधानम नो भारतस्य ही गौरवम्। और विश्वस्य संविधानेषु, विश्व के सभी देशों के संविधानों में हमारा संविधान सबसे विशाल, सबसे श्रेष्ठ एवं बृहंतोतम विस्तृतम। और कैसा है? उत्तम है, विस्तृत है, इसीलिए दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, विशाल संविधान है हमारा। जयतात संविधानम नो भारतस्य ही गौरवम्। और यह भारत का गौरव है। भारतीय संविधान की सदा जय हो, ऐसे संविधान की जो हर नागरिक को, हर देश के 136 करोड़ से ज्यादा लोगों को और तमाम जो इस भारत मां की धरती पर आते हैं उनको भी एक कवच के रूप में सुरक्षा देता है, कुछ अधिकार देता है,
जिसका कि हम श्रवण करेंगे। और अगले श्लोक में कैसे संविधान को लिखा गया, किनके द्वारा लिखा गया, इस श्लोक में उसकी धुन। और वो श्लोक जनका संविधानस्य अंबेडकर महोदया श्री राजेंद्र प्रसादस्य संविधान सभापति है। और संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी पांडुलेखन जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जैसे कि हमने पूर्व में बताया आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खास चर्चा करेंगे इसमें, क्योंकि उनके द्वारा संविधान का निर्माण और समिति के अध्यक्ष थे, बार बार उनका नाम आता है। और इसके अलावा श्री राजेंद्र प्रसाद संविधान सभापति है, और संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब समिति में जो पांडुलेखन थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जब लिख के ले जाती थी, और एक और अहम किरदार जिनका रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर वीएन राव, वेनिगल नरसिम्हा राव, अहम किरदार वो लिख के देते थे। और संविधान समिति जब सब बैठती थी तो उसका जो सभापति होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। इसीलिए उस पर जब विचार किया जाता था, तीन बार जो रीडिंग की गई है, तो उस पर जो सभा के रूप में नेतृत्व करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब पूरी 299 जो सभा थी वो बैठती थी, रीडिंग जब होती थी, आगे एक और श्लोक के साथ संविधान जिस दिन बना था, क्या था उस दिन संविधान में, और थोड़ा वर्तमान में भी चर्चा करेंगे हमारे इस श्लोक में, उस दिन जब संविधान का निर्माण हुआ था उस दिन का। पंचविंशति भागेषु संविधानं विभाजितं परिपूर्णतया सम्यक् धारानुच्छेद सूचिभिः। पंचविंशति भागेषु यानी भारतीय संविधान को 25 भागों में बांटा गया है, धारा अनुच्छेद एवं अनुसूचियों में सुव्यवस्थित एवं पूर्ण है। इस श्लोक में पंचविंशति भागेषु संविधानं विभाजितं परिपूर्णतया सम्यक् धारानुच्छेद सूचिभिः। और यदि मैं उस दिन की बात करूं, यानी 26 नवंबर 1949 जब संविधान बन चुका था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जब निर्माण हो गया था, तो उस दिन संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 सूची थी। और देश को मजबूत और आगे बढ़ाने के लिए जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी, वर्तमान में लगभग 472 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 सूचियां हैं। और अब हम उसका आगे श्रवण करेंगे, आगे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, पंचायती राज व्यवस्था, अनेक पर हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ आगे कुछ मेरे मार्गदर्शक आज राधा बल्ला मामा जी कुछ बताएंगे आगे किस तरीके से प्रारूप रहेगा, क्या बोलेंगे आप समापन में, अब क्या बोलना चाहेंगे, आज का जो अभ्यास सत्र रहा है क्या रहा, कितनी दिस हमारी जारी, इसके बाद हम आरती करेंगे, आरती के साथ समापन करेंगे। कुछ शब्दों में आप आज जो आमंत्रित के लिए कैसे हम लोगों से जुड़े, कैसे लोग आए, और इस जो कवच है मेरी भारत माँ का, इस संविधान जो हर नागरिक के लिए जरूरी, जो हर एक का रखवाला है, गरीब अमीर, हर जाति समुदाय, हर कौम, हर कम्युनिटी का अस्त्र है, हर एक के लिए जरूरी है, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, देश का नागरिक पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक सबका एक कवच, इस सुरक्षा देने वाला, सुध लेने वाला इस संविधान पर हम परिचर्चा करेंगे 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक।
इस बारे में थोड़ा कैसे प्रारूप रहेगा, क्या बोलेंगे मामा जी, थोड़े मेरे मार्गदर्शक भी हैं, बताइए मामा जी क्या बोलना चाहेंगे। मैं राधा वल्लभ नौटियाल आप श्री महेश बहुगुणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संविधान पर चर्चा और संविधान ज्ञान सप्ताह लोगों को संविधान के विषय में जानकारी देने के लिए जो संकल्प लिया है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने साथ मुझे सहयोग के रूप में जो आपने अपना सानिध्य दिया है मैं उसे अपना सौभाग्य मानता हूँ, क्योंकि इस उम्र में अगर आप जैसे विद्वान लोगों का साथ मिले तो हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा, क्योंकि जिन चीज़ों के हमें भी जानकारी नहीं थी उस पर हमारी भी रुचि बढ़ेगी और हम जान पाएंगे कि वास्तव में हमारा संविधान हमारे लिए क्या है, हमारे लिए उसमें क्या अधिकार हैं, कानून का हमारे लिए क्या क्या प्रावधान है। तो आपने इसी बात को लेकर के जो संकल्प किया है कि मैं भारतीय संविधान को जनता के बीच में पहुंचाऊंगा और जनता जो भारत का नागरिक है, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक के हृदय में संविधान के प्रति आस्था और रुचि बढ़े, उसका अध्ययन करें लोग, स्वाध्याय करें और उसमें जो लिखे गए कानून हैं, उसमें जो अधिकार हैं, उसमें अनेक प्रकार की जो धाराएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो इससे हमारा ज्ञान विशद होगा और जब संविधान का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम कहीं भी ठोकर हमें जीवन में नहीं लग सकती है, क्योंकि कानून हमारा रक्षक है। कानून सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है भारत का, ये कानून में, इसमें संविधान में इसको वर्णित किया गया है, उसके बारे में हम सबको जानना चाहिए। इसी का ज्ञान देने के लिए आपका ये जो पूर्वाभ्यास आज यहाँ पर कुछ घंटों के लिए आयोजित हुआ है, उसके लिए आपका जो ये प्रथम प्रयास चल रहा है, मैं इस प्रयास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप संस्कृत देववाणी के माध्यम से भी, श्लोकों के माध्यम से भी लोगों को जागृत कर रहे हैं कि वास्तव में देववाणी का भी महत्व समझिए और देववाणी में लिखे गए अनेक ग्रंथ जिनमें विशद ज्ञान है आपकी, उनके प्रति भी रुचि बढ़े, इसीलिए संविधान को जानने के लिए श्लोकों का भी यहाँ पर आपने आश्रय लिया है, उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आप और उससे अपने वाणी में व्यक्त करते हुए लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भविष्य में आप लोग जब ये कथा आयोजित होगी 20 नवंबर 2024 से और 26 नवंबर तक ये संविधान ज्ञान कथा चलेगी, तो आप सभी जो भारत की हमारी जनता है अधिक से अधिक संख्या में उस स्थान पर पहुंचने का कष्ट करेंगे जहां पर आप सुनिश्चित करेंगे कि ये कथा वहां पर होने जा रही है। तो इसी संदेश को देने के लिए आप भी हैं और मैं भी आपके सानिध्य में जुड़ा हुआ हूं, जब तक ये जीवन है इस शुभ कार्य में हम साथ दे सकें तो इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है। तो आपका इस प्रयास के लिए मैं महेश बहुगुणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ और आपके संकल्प को पूरा होने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसी संदेश के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अंत में एक बार उन सभी को मैं दंडवत करते हुए और उन अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया आगे इसमें आ रहे हैं, आइए इस एक अखंड भारत और एक ऐसे संविधान जो हमारा कपच है उसके ज्ञान सप्ताह यज्ञ और साप्ताहिक परिचर्चा में आए मिलकर के हम, हमारा इसमें जो मकसद ये है कि सबको इस ये जो पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान इसका ज्ञान हो और हम थोड़ा अलग अलग माध्यमों से उन सहयोगियों के माध्यम से हम अपने अभ्यास की ओर आने वाले आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे साथ दिखाएंगे आप थोड़ा हमारे तोता बाबा गोपाल जी भी आप सान्य हमारे साथ थे आज, साथ में हरीश कोनी साहब का हमें सहयोग मिला, प्रताप राणा जी और ऐसे अनेक लोग जो हमें इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये रहेगा प्रयास कि आए इस संविधान का अध्ययन करें, आप संविधान किताब अवश्य लें क्योंकि ये बहुत निश्चित है। जितना हो सकेगा हम, हमारा मकसद ये है, यदि मैं वर्तमान युग की बात करूँ, वर्तमान आधुनिकता पे हम फोकस करिए,
गंगा के बारे में बताएंगे, जो नोबेल पुरस्कार है, भारत रत्न है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आधुनिकता से लेके प्रेजेंट जो किस परमवीर चक्र विजेता है उनका भी हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, कैसे इस भारत माँ के लोग अपने प्राणों को निछावर कर दिया है, कौन रहे, किस तरीके से युद्ध हुआ, उस तमाम हम अपने 7 दिन की परिचर्चा में इसमें सम्मिलित करेंगे और बताएंगे। और यदि मैं कंपिटिटिव भाव से कहूँ तो लगभग 12 से 15 नंबर ये भारत की जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें आता है। यूपीएससी की बात करूँ, पीसीएस की बात करूँ, ये ग्रुप सी की बात करो, एलटी की बात करो, संविधान का हर जगह आवश्यक है हर नागरिक के लिए। यही हमारा मकसद, युवा से लेके बुजुर्ग हर नागरिक, जो भी चुनाव भी लड़ते हैं, नेता हैं, सबको इसका ज्ञान होगा उतना ही देश मजबूत रहेगा। इसी के साथ माँ गंगा यमुना की उद्गम स्रोत की मध्य भाग जहां पर मैं अध्ययन कर रहा हूं, माँ गंगा और यमुना दोनों के मैंने आज दर्शन किए हैं 24 घंटे में, जहां पर मैं पहुंचा हूं मध्य भाग में। और इसी के साथ आज लगभग 3 घंटे का अभ्यास सत्र हमारा समापन की ओर, और आगे कुछ नया जो आएगा, एक आरती अब समापन में होगी, वो भी आपको सुनाएंगे। जय भारतीय संविधान, जय हिंद, जय भारत।